इंदौर में एक साली द्वारा अपने ही जीजा का अपहरण कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पत्नी अपने मायके चली गई थी। पत्नी की बिना तलाक लिए दूसरी शादी कराने पर जब पति ने आपत्ति ली तो ना तो सिर्फ साले ने अपने चार साथियों के साथ जीजा का अपहरण किया बल्कि मारपीट कर कोर्ट से केस वापस लेने की धमकी भी दी गई। फिलहाल फरियादी की शिकायत पर द्वारकापुरी पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। फरियादी नईम कुरैशी का विवाह 2021 में हुए तो मामूली घरेलू विवाद में 2022 में उसकी पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई थी। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जो फरियादी है उसके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है। इस तरह का मामला सामने आया है। इस तरह फरियादी के द्वारा बताया गया कि उसकी जो पत्नी थी मायके गई हुई थी और मायके जाने के बाद फिर उसका जो साला था उसने उसकी पत्नी की कहीं दूसरी जगह शादी करा दी जबकि उसका तलाक भी नहीं हुआ था और उसके बाद फिर उसने कोर्ट में केस रजिस्टर करा दिया। उसके बाद ये लोग उसका जो साला आया साला अपने कई अन्य लोगों के साथ आया और उसको गाड़ी में डालकर बैठा के ले गया, उसके साथ मारपीट की और उसे धमकी दी कि केस जो केस कोर्ट में दिया है उसको वापस ले लो। तो इस आधार पर थाना द्वारकापुरी में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन किया गया।